गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों के बाद आज फाइनली मैं शूट कर रही हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं 2-3 दिन से क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी गाइस। आप मेरी आँखें देख सकते हो अभी भी डार्क सर्कल से भरी हुई है, क्योंकि आई कांट स्लीप प्रॉपरली, आई कांट ईट प्रॉपरली। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं, इतना ज़्यादा सिक फील हो रहा था मुझे। सो इन दैट टाइम ऑल्सो मुझे अपनी स्किन का केयर करना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी अपनी स्किन केयर नहीं की है। मेरा स्किन काफ़ी ख़राब हालत में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से लीव के बाद स्टार्ट करते हैं स्किन केयर से। सो आप लोगों में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि मैं गर्मियों की स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो वो भी मैं जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बट क्योंकि अभी गर्मी ठीक ठाक से आ रही है धीरे धीरे, तो अपना प्रॉपर स्किन केयर रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। मीनवाइल आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग पैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक फ्रूट का पैक होने वाला है, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए गर्मियों में। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन गर्ल्स एंड ऑल्सो ड्राई स्किन गर्ल्स भी ये पैक यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में इंडिया में सभी की स्किन ऑयली हो जाती है, कोई भी ड्राई नहीं रहता आई गेस। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मैं जो फ्रूट के बारे में आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ वो है नन अदर देन वाटरमेलन। तो वाटरमेलन मेरा बहुत ही फेवरेट फ्रूट है ड्यूरिंग समर सीजन, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है एंड ऑल्सो आपके हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं हेयर के बारे में आज बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ स्किन के बारे में बात करूँगी। तो वाटरमेलन के अंदर भर भर के विटामिन ए एंड विटामिन सी होता है, तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना अच्छा होगा आपके स्किन के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं एंड ऑल्सो ये एज अ टोनर काम करता है, क्योंकि ये आपके टिश्यूज को श्रिंक करता है, दैट्स व्हाई ऑल प्रोडक्शन को कम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपके फेस को बिल्कुल डिहाइड्रेट कर लेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वाटरी फ्रूट। सो ये आपके फेस को हाइड्रेट करेगा मगर ऑयली नहीं बनाएगा, जो कि ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए एकदम लाइफ सेवियर है। एंड ऑल्सो इसकी बहुत बड़ी जो बेनिफिट है, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, वो है ये सन इफेक्टेड एरियाज को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इससे आपके फेस पे टैनिंग कम होगा, आपका जो फेस है वो सन से ज्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा आपके फेस को। सो या वाटरमेलन के काफी सारे बेनिफिट्स है आप लोगों ने जान ही लिया। तो अब मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप वाटरमेलन को कैसे कैसे यूज करते हो। सबसे पहले एक पैक देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम एक पोटैटो ले लेंगे एंड देन हम उसको ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करने के बाद हमको लेना है एक स्ट्रेनर एंड उससे पोटैटो का जूस निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। सारे बर्तन जो आप यूज़ करोगे क्लीन होना चाहिए। सो हमारा पोटैटो जूस रेडी हो गया है। नाउ कमिंग टू द कोर इंग्रेडिएंट व्हिच इज़ वाटरमेलन। तो मैंने यहाँ पे वाटरमेलन का एक पीस ले लिया है। सबसे पहले मैं इसको चाकू से अच्छे से निकाल लूँगी, उसका जो रेड पार्ट है वो निकाल लूँगी, जो कि मेन इन्ग्रीडियंट होता है। एंड ऑल्सो आपको वाटरमेलन से सारे जो उसके सीड्स होते हैं वो भी निकाल लेने हैं। इसके बाद मैं इसके कुछ टुकड़े बना लूँगी, पीसेस बना लूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं 2-3 तरीके आप लोगों को बताऊँगी इसको यूज़ करने की। सो इसके बाद मैंने मिक्सी में 3-4 पीसेस ले लिए हैं मीडियम साइज़ के एंड मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। सो यहाँ पे हमारा वाटरमेलन का बढ़िया सा पेस्ट जूस व्हाटएवर यू वांट से रेडी हो गया है। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप वाटरमेलन के डायरेक्ट क्यूब्स लीजिए एंड मेक श्योर कि ये चिल वाटरमेलन हो। आप इसको फ्रीजर में 1-2 आवर्स रख दीजिए, काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी मत लगाइए। अगर सारा दिन है आपके फ्रिज में मोर देन 3-4 आवर्स, तो उसको निकाल के करीबन 10-15 मिनट्स रख दीजिए, फिर उसके बाद यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा वाटरमेलन एंड मैं इसको अपने स्किन पे डायरेक्टली रब करूँगी। दिस इज द फर्स्ट वे यू कैन यूज़ इट। So, इसको आपको करीबन 2-5 मिनट्स तक रब करना है, 3-4 भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि 5 मिनट्स तक इसको अपने स्किन पे बहुत अच्छे से रब कीजिए एंड जस्ट रिलैक्स फील कीजिए। कोई भी टेंशन, कोई भी थिंकिंग कुछ नहीं आना चाहिए आपके माइंड में, जस्ट आँख बंद कीजिए एंड रिलैक्स कीजिए एंड फील कीजिए। तो ये ड्राई होने में मुझे जस्ट 5 मिनट्स लगे एंड इट्स टोटली ड्राई
तो ड्राई जब हो जाएगा आपको ऑब्वियसली फील हो जाएगा। तो इसके बाद आपको इसको वॉश बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट वाइप इट आउट। अभी मैं क्या करूंगी, एक बोल में मैंने पानी रखा है एंड मैं एक कॉटन पैड लूंगी, इसको जस्ट डिप करूंगी एंड इसको वाइप आउट कर दूंगी। लेकिन इसको बिल्कुल भी आपको वॉश नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड, तो आप डायरेक्टली वाटरमेलन जूस को यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जूस बना के रखा है ऑलरेडी, मैंने कैसे बनाया आप लोगों को दिखा दिया है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो। एंड अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कॉटन पैड लूंगी, इसको डिप करूंगी एंड इसको अपने सन अफेक्टेड एरियाज पे लगाऊंगी, लाइक आपके जहाँ जहाँ पे होगा फेस पे। अगर आपको लगता है कि आपके पूरे फेस पे देने की जरूरत है, तो आप वो वाले जो मिलते हैं ना छोटे छोटे टिश्यू टाइप के, जिसमें पानी डालो तो बड़ा बन जाता है, तो आप उसको इस पे डिप कर सकते हो, उसको अपने पूरे फेस पे आराम से लगा सकते हो। एंड तो मेरा क्योंकि इतना ज्यादा फेस अफेक्टेड नहीं है, मेनली मेरा जो है ये दो साइड अफेक्टेड है, तो मैं इन्हीं दो साइड में लगाऊंगी। सो मैं इसको डिप कर रही हूँ एंड देन मैं इसको जस्ट लिटिल बिट अभी इसको आपको 5 to 10 minutes तक अपने स्किन पे छोड़ देना है, रिलैक्स करना है एंड देन इसके बाद हम इसको जस्ट रिमूव कर देंगे, दैट इजी। सो 7 minutes हो चुके हैं मेरे, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। सो इट्स दैट इजी, आपको जस्ट इसको निकालना है एंड यू आर डन। एंड अगेन द सेम ट्रिक, आपको एक कॉटन पैड को लेना है, इसको डिप करना है पानी में एंड जस्ट क्लीन योर फेस। बिलीव मी गाइस, ये जो वाटरमेलन है ना, इसको आप एक बार लगा के देखो, आई नो आप पूरे समर में इसको यूज करोगे। क्विकली अब मैं अपने फेस को ड्राई कर लूंगी ताकि मैं अपना लास्ट एंड माई फेवरेट फेस पैक को यूज करूँ, जो जिस तरीके से मैं वाटरमेलन को यूज करती हूँ एक्चुअली। सो या ओके, माई फेस इज ड्राई। तो मैं जिस तरीके से वाटरमेलन को यूज करती हूँ, मैं लेती हूँ पोटैटो जूस। तो मैंने यहाँ पे एक पोटैटो का जूस निकाल के रखा है ना, आप जो ये व्हाइट व्हाइट सा देख रहे हो ना, ये पोटैटो का स्टार्च है जो कि नीचे जम चुका है एंड यही असल में बेनिफिशियल है। तो मैं इसको थोड़ा सा हिला लेती हूँ। इसके बाद मैं ले लूँगी इसमें वाटरमेलन का जूस मैंने डायरेक्टली, सो इसके बाद मैं इसमें 1 teaspoon वाटरमेलन का जूस यूज़ करूँगी। तो दोनों का जूस कैसे निकाला है ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो आई होप आपने देखा होगा। तो मैं इस पर जस्ट 1 teaspoon वाटरमेलन का जूस यूज कर रही हूँ एंड इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। एंड देन इस पैक को मैं अपने फेस पे लगाने के लिए मेरा मेकअप का ब्रश यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल क्लीन ब्रश है, तो आप जो भी ब्रश यूज करो मेक श्योर कि वो बिल्कुल क्लीन हो। सूखने के लिए करीबन 5 minutes तो लग ही जाते हैं, लेकिन मैं 2 to 3 minutes बाद जब ये थोड़ा सा टैकी बन जाए तब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगा लेती हूँ। सेकेंड लेयर लगाने के बाद मैं इसको 5 to 6 minutes जब तक कि ना ये ड्राई हो जाए अपने स्किन पे छोड़ देती हूँ और देन इजीली वॉश कर लेती हूँ, नॉट वॉश वाइप कर देती हूँ। तो ये ड्राई हो चुका है काफ़ी, लाइक 70% तक ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसका सेकेंड लेयर लगा लूँगी। आफ्टर 5 minutes इट्स कम्प्लीटली ड्राइड। अब मैं इसको जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ सेम वही कॉटन पैड को थोड़ा सा वेट करके। सो गाइज यू कैन सी द रिजल्ट बाय योरसेल्फ। तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पहले मेरा फेस देखें अब मेरा फेस देखिए, आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आई नो आप लोग इसको जरूर से घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।